करो और फटाफट क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, दिमाग तेजी से चलाओ, फास्ट रोबोट की तरह। ये कहता है पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 पास थ्रू ए रीजन ऑफ सेम टाइम पीरियड इन द सेम डायरेक्शन, द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। दो वेव है, उनका सुपर इम्पोजिशन हुआ, एक वेव अलग थी दूसरी अलग थी, इनकी इंटेंसिटी I1 I2 थी, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का सम पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते जब आपको ये बात पता होगा कि जब दो वेव का सुपर इम्पोजिशन होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I जो होती है वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 रूट कॉस फाई। फाई क्या है, इन दोनों में फेज का डिफरेंस है। ये P पॉइंट है स्पेस में, एक वेव इधर से आई और एक वेव इधर से आई, तो सुपर पोजिशन में जो इसकी इंटेंसिटी I1 थी इसकी I2 थी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ये होगी। तो ये वाली चीज। अब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, I1 प्लस I2 और प्लस 2I1 I2 रूट, क्योंकि I मैक्सिमम के लिए cos phi 1 हो जाएगा, I मिनिमम के लिए cos 180 हो जाएगा। तो ये I1 प्लस I2 और माइनस 2I1 I2 और ये आ जाएगा रूट, बराबर है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हम दोनों को जो कह रहा है वैसे कंडीशन लगा देना है, सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इनका मैक्सिमम और मिनिमम का सम I मैक्स और प्लस I मिनिमम, इन दोनों का मैं सम अगर निकाल लूँ तो ये दोनों कट-कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, मतलब 2 टाइम्स I1 प्लस I2, मतलब फाइनल सॉल्यूशन ये है मेरे प्यारे बच्चों, 2I1 प्लस I2, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो